नमस्कार दोस्तों, मैं सीए प्रभाकर गुप्ता केजे क्लासेज में आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ। कपिल जी हमारे साथ हैं, जिनके बारे में आपको कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप इनके वीडियोज रेगुलर देखते ही हैं। दोस्तों, 6 जुलाई को जीएसटी के अंदर कई सारे सर्कुलर्स आए हैं। आज हम उनमें से 3 सर्कुलर, सर्कुलर नंबर 170, 171 और 172, यानी आप देखिए सर्कुलर्स की लिस्ट भी कहाँ तक पहुंच गई है, 170 171 हो गए कपिल बिल्कुल जी, तो डबल सेंचुरी पर जल्दी आने वाले हैं ये। जी तो हो सकता है वो इस महीने ही आ जाएं, क्योंकि आपको रेगुलर कपिल जी अपडेट दे भी रहे हैं। तो आज जी हम इन 3 सर्कुलर के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई आखिर 170 जो सर्कुलर है, 171 और 172 ये क्या कहते हैं। साथ ही कपिल जी, जैसा कि आपकी अपनी ऑलरेडी मैगजीन्स चल रही हैं, जी और जी दूसरा आपका एक और प्रोडक्ट है फ्लायर्स का, जिसमें आप ड्यू डेट्स और टैक्स अपडेट्स रेगुलर देते हैं अपने जी क्लाइंटों को, तो आप उसके बारे में बताइए कि भाई टैक्स जो आपकी मैगजीन्स है उसमें तो आप ये सारे सर्कुलर्स अपने बारे में आप अब डिस्कस में करेंगे ही नहीं, करेंगे। इसमें ऐसा होता है भैया, अब की बार की मैगजीन के साथ क्या हुआ, हमने क्या करा, 30 जून को हमारी मैगजीन रेडी थी, जी लेकिन फिर क्या हुआ, काउंसिल की मीटिंग्स को अपडेट करना था जी कि भाई उसे अपडेट करके भेजे। अब हम उसे अपडेट करके 3-4 तारीख में भेज ही रहे थे कि वो नोटिफिकेशन आ गए। फिर नोटिफिकेशन हमारा मन नहीं करा भेजने का, आ हमने कहा यार इन नोटिफिकेशन को इनकॉर्पोरेट कर दे कुछ ना गए कुछ। हमने उन नोटिफिकेशन को इनकॉर्पोरेट करा और जी। जैसे ही हमने उन्हें भेजी, ये उसके सर्कुलर बाद सर ये सर्कुलर आ गए। अब हम सर्कुलर तक तो इसे रोक नहीं सकते थे, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल नहीं तो डिले हो जाता। डिले हो जाता है तो भैया, ऑलरेडी आज 6-7 तारीख हो चुकी है, तो बिल्कुल, फिर वे भेजते तो भेजते हमें टाइम हमने क्या लगेगा। करा, जुलाई की मैगजीन जो आपको मिलेगी उसमें सर्कुलर इनकॉर्पोरेट नहीं नहीं करा हुआ है, है, लेकिन नोटिफिकेशंस हैं आपके 3-4 तारीख नोटिफिकेशन है, लेकिन ये सर्कुलर जो इनकॉर्पोरेट होंगे, जो हमारी अगस्त का एडिशन होगा उसमें होंगे। अब एक व्यक्ति का क्वेश्चन ये रहेगा कि सर ये तो आप अगस्त में इनकॉर्पोरेट करोगे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन तो जुलाई में भी हो सकती है। तो उसके लिए हमने जो दूसरी सर्विस शुरू करी है फ्लायर वाली सर्विस, कि इन सर्कुलर्स में जो आया है उसमें आपको क्या करेंगे, फ्लायर बना बनाकर दे देंगे, उसमें क्रक्स में दे पोस्टर्स, देंगे, जी हाँ उसमें ठीक क्रक्स है, में बिल्कुल क्रक्स में आपको दे देंगे कि भाई ये सर्कुलर्स आए हैं, तो वो आपको साथ के साथ मिल जाएगी, तो आप वो वाली सर्विस साथ में ले सकते बिल्कुल हैं। अब बिल्कुल इसका ये मतलब नहीं कि फ्लायर ले लो मैगजीन हाँ, नहीं, फ्लायर्स में आपको जो मिलेगा वो क्रक्स क्रक्स मिलेगा, मिलेगा। उसके अंदर बेसिकली हेडिंग्स मिलेंगी कि आखिर इस सर्कुलर में मेजरली क्या कहा गया है, बिल्कुल लेकिन जो मैगजीन है, मैगजीन में आप बताएंगे उसका पूरा एनालिसिस पूरा कि भाई ये एनालिसिस क्या है, इसका क्या इंपैक्ट बिल्कुल आएगा आपके ऊपर। बिल्कुल तो ये बेसिकली जो फ्लायर्स हैं वो बेसिकली हैवी ब्रांडिंग के लिए, आपने जो नाम ब्रांडिंग के रखा लिए, प्रोफेशनल ब्रांडिंग के लिए, राइट आपने राइट ब्रांडिंग के लिए अपने क्लाइंटों को बिल्कुल अपने सोशल मीडिया पे शेयर करने के लिए, सोशल मीडिया पे भाई आप उस शेयर पर शेयर करके और उनको भेजिए कि देखिए ये सारे अपडेट्स आ गए, सेक्शन वो सर्कुलर 170 क्या कह रहा है, 171 क्या कह बिल्कुल रहा है, बिल्कुल 172 क्या कह रहा है। जी। तो सर सबसे पहले आप मुझे वो सर्कुलर 170 के बारे में बताइए, आई थिंक 3B से रिलेटेड कुछ चेंजेज आए हैं सर्कुलर में, देखिए क्या भैया है वो। इसमें क्या है ना, इसमें ना टोटल 7 सर्कुलर कल आए, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी अगर सातों के सातों इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। 7 सर्कुलर्स में से एक सर्कुलर तो क्या है, विड्रॉ के लिए है, कि उन्होंने जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो गुड्स आप सेल करते थे तो उसके लिए एक सर्कुलर था, अब उसे ना नॉर्मल प्रोसीजर में कर दिया है, ठीक है ना, कि नॉर्मल एक्सपोर्ट मानेंगे, तो उस सर्कुलर को विड्रॉ कर लिया है। 3 सर्कुलर जो हमारे हैं वो एक एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। एक ये है कि भाई अगर हमने गलती से रिफंड ले लिया तो गवर्नमेंट को वो वापस कैसे करें, एक इन्वर्टी ड्यूटी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ठीक है ना। इन तीनों को जी हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा 3 सर्कुलर है जो आपकी डेली प्रैक्टिस में यूज होंगे। पहला सर्कुलर है कि GSTR 3B में ना ITC को रिपोर्ट करने का जो मेथड है वो चेंज हो गया है। ITC अब आपको यानी दूसरी कि अब 3B बदल गई फिर से। नहीं, बदलनी नहीं है, फॉर्मेट वही है, लेकिन सर्कुलर में पूरा कंफ्यूज करने की कोशिश करी है, ठीक है ना। आज मैं आपको यानी बता कि जो जी आसानी से चल रहा था, मैं यहीं पे रोकना चाहूंगा कि जो आसानी से चल रहा था कि GSTR 1 से हमारे 3B में ऑटो पॉपुलेट हो रही थी, हाँ अब वो ऑटो पॉपुलेट नहीं होगी, या होगी तो आधी दूरी होगी, क्या नहीं है। नहीं ऑटो पॉपुलेट होगी, मैं पूरा डिस्कस करूंगा उस बारे हाँ सर्कुलर को, 3B को लेकर। एक सर्कुलर क्या है कि जो हमारा फेक इनवॉइजिंग है, ठीक है जी ना, उसमें कई लोगों की पेनल्टी लग रही है, तो पेनल्टी कौन लगाएगा, किस सेक्शन में लगेगी, उसके बारे में डिस्कस करा है। और एक सर्कुलर हमारा नॉर्मल है कि जो जो चीजें दिक्कतें आ रही है, 17-5 को लेकर दिक्कत आ रही है, या ये कोई भी दिक्कत है उसके लिए ये उसके सर्कुलर लिए है। तो हम 3 सर्कुलर को डिस्कस करेंगे। तो पहले बताओ भैया कौन सा डिस्कस करूं पहले मैं। 3B से ही करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज्यादा सबको इंटरेस्ट 3B में ही आएगा हाँ कि जी आखिर हाँ क्या जी चेंज उसके अंदर आ अब रहा ये है। क्या है ना, 3B में क्या है, अब आप समझो 3B को 5 साल हो गए आए हुए, ठीक है ना। लेकिन गवर्नमेंट की दो समस्याएं थी। एक गवर्नमेंट की समस्या तो ये थी, अगर किसी व्यक्ति ने सेक्शन 53 पढ़ा है
तो सेक्शन 53 ये कहता है कि जहां पर भी आईटीसी की चैन ब्रेक हो जाएगी, गवर्नमेंट आपस में आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी। ये तीन चैन ब्रेक कहां पर होती है? ये तीन चैन ब्रेक होती है भैया, अगर मैं बात करूं, अगर हम कंपोजिशन डीलर को सेल कर दे वहां पर चैन ब्रेक हो जाती है, अगर हम यूआईएन होल्डर को सेल कर दे तो ब्रेक हो जाती है, अगर हम B2C सेल कर दे, अगर हम B2C सेल कर दे तो वहां पर चैन ब्रेक हो जाती है। चैन ब्रेक का मतलब मैं आपको इधर बता दूं कि मींस अब आप एंड कस्टमर के पास या एंड कंज्यूमर के पास चले गए, वो या इसे हम कैसे अनरजिस्टर्ड के पास चले गए। यूआईएन की बात कही, यूआईएन आगे जीएसटी चार्ज नहीं करता है, रजिस्ट्रेशन उसका अपनी जगह पर है। बिल्कुल, B2C में आप कस्टमर होगा, कस्टमर जीएसटी चार्ज नहीं करता। बिल्कुल, मतलब उसके बाद जीएसटी कोई और बिलिंग पर नहीं लगाएगा। हाँ, तो अब इन तीनों ही केसेस में ना, इन्होंने जब इनकी 3B आई थी तो इन्होंने एक टेबल दी थी जी, कि अगर आप इंटर स्टेट सेल कर रहे हो तो आप हमें ये चीज बता दो, ठीक है, अगर आप कंपोजिशन को सेल कर रहे हो तो हमें बता दो। हमने कहा क्यों बता दे तुम्हें? हाँ। वो कहते थे कि भाई जब तक तुम हमें नहीं बताओगे कि तुमने त्रिपुरा में कितना माल बेचा, महाराष्ट्र में कितना माल बेचा, किसकी बात कर रहे हैं? B2C की। किसकी बात कर रहे हैं? कंपोजिशन की। किसकी बात कर रहे हैं? UDN की, कि UIN वालों की। अगर आप हमें ये नहीं बताओगे तो इन गवर्नमेंट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे टैक्स? तो इन्होंने बहुत बार यूजर्स को बोला कि भाई डाल दो, यूजर्स ने कहा हमने डालते जानते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत कम लोग, हाँ बहुत कम, बहुत कम लोग डालते हैं। वो कहते हैं हमने जब 3.1 में बता दिया, हम नहीं बताएंगे, स्टेट वाइज नहीं बताएंगे। तो इन्होंने क्या करा, अब इन्होंने बोला कि अब ये वाली जो टेबल है ये ऑटो पॉपुलेटेड होगी GSTR 1 से, क्योंकि GSTR 1 में ये आप सारी सेल डालते हो जी। B2C में जब आप सेल डालते हो तो वहां पर पता लग जाती है कि भाई ये B2C की सेल्स है, ठीक है ना, और इसी स्टेट की है, इसी रेट की है। तो ये कह रहे हैं वहां से आ जाएगी, ऑटो पॉपुलेटेड होगी, इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये वाली डिटेल आपको डालनी होगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई ये वाली डिटेल प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज यहाँ पर ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगी GSTR 1 से, किस किस कॉलम में होगी इन्होंने बता दिया। लेकिन जो दूसरा बड़ा चेंजेज ITC को लेकर है कि ITC की रिपोर्टिंग इन्होंने कहा अलग तरीके से होगी। हमने कहा भैया किस तरीके से होगी तो जरा बता दो। तो यहाँ पर ITC की ना टेबल में आपको खोल के दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होना बिल्कुल लाजमी है, हालांकि इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, आप उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी कम यहाँ पर जो इन्होंने बात बताई है वो गले से उतर नहीं रही। तो आज मैं एक मीटिंग में था तो जिन्होंने सर्कुलर इशू करा है, ठीक है, संजय मंगल जी, वो मेरे सामने थे, मैंने उनसे ही क्वेश्चन पूछ लिया। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो उन्होंने बताया कि आधी चीज तो हमने सर्कुलर में बता दी है, आधी आप बता दीजिए क्योंकि वो GSTN करेगा, उन्होंने पूरी चीज नहीं बताई है सर्कुलर में। तो क्या बात है, मैं वो आपको बता देता हूँ। इसमें अगर आपने देखा होगा, ये हमारी ITC की टेबल आती है, तो ये वाली ऊपर की सारी डिटेल आपको क्लियर होगी। लेकिन अब इन्होंने क्या बोला है कि अगर आपका कोई सेक्शन 17(5) का ITC है, जो कि ब्लॉक आईटीसी है। पहले भैया इसमें क्या लिखा रहता था, यहाँ पर एक डी टेबल होती थी, डी टेबल में लिखा रहता था इन एलिजिबल ITC एज पर सेक्शन 17(5). लेकिन अब इन्होंने क्या बोला है कि जो 17(5) का ब्लॉक ITC है, उन्होंने क्या लिखा है कि रिवर्सल अंडर सेक्शन 17(5) आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी शोन इन दिस रो, द सेम आर टू बी सोन अंडर 4B1। तो जहां पर आप रिवर्सल दिखाते थे रूल 42 और 43 वाला, वहीं पर 17(5) वाला रिवर्सल दिखाओगे। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर फिर इसके अंदर क्या आएगा? तो भाई ये ना GSTN पोर्टल ये वाली रो को हटा ही देगा, इसका अब कोई भी यूज नहीं रहेगा, ऐसा इन्होंने 4.3 पैरा में भी बोला है। तो पहली बात आपको समझनी है कि अगर आपका कोई ब्लॉक ITC है, वो आपको यहाँ नहीं दिखाना, आपको यहाँ पर दिखाना है। इसके पीछे का रीजन क्या है, इस रीजन को समझ लो कि जब आपका 2B से ITC पॉपुलेटेड होकर यहाँ पर आता है तो ऊपर वो क्लेम में आ जाता है, तो आपको वो रिवर्स करना होता है, तो इन्होंने इसे यहाँ पर बताया। अब एक चीज और, कई बार आपको ये पता होगा कि 2B में कुछ ITC ऐसा होता है जिसे हम क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो कैसा ITC है कि या तो सेक्शन 16(4) की कंडीशन निकल गई जी, या वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई है ही नहीं। तो उन्होंने कहा ऐसा ITC 2B से ऑटो पॉपुलेटेड होकर 3B में नहीं आएगा, तो इस वाले ITC को आपको यहाँ पर इनएलिजिबल अदर्स में दिखाना है।
ठीक है। तो दो चीज इन्होंने ये क्लैरिफाई करी। इसके बाद इन्होंने क्या बोला कि अगर आप अपना कोई भी आईटीसी रिवर्स करते हो, ठीक है ना, अगर आप अपना कोई भी आईटीसी रिवर्स करते हो 180 डेज वाली कंडीशन का, तो आप इसे अदर्स में ही रिवर्स करोगे। ये बात हमने पहले भी बता रखी है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। और अगर आप रूल 42-43 का आईटीसी रिवर्स करते हो तो वो आपको यहां पर दिखाना है। तो इसमें ना ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन जो 17-5 का आईटीसी की रिपोर्टिंग का चेंजेस है वो एक बड़ा चेंजेस है, वो हमें समझना पड़ेगा। अगर आप कोई रिक्लेम कर लेते हो आईटीसी, तो जैसे आप उसे पहले क्लेम करते थे ऑल अदर आईटीसी में, उसे वहीं पर क्लेम करोगे। तो ये मोटा मोटी इस वाले सर्कुलर में ये बदलाव हुआ है जी। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, एक्चुअली सर्कुलर बहुत बड़ा है, 7 पेज का सर्कुलर है, थोड़े से देर में समअप करना था, इसीलिए कपिल जी ने थोड़े स्पीड में इसको बताया है। लेकिन इस सर्कुलर को डिटेल में अगर आपको समझना है तो मैगजीन जरूर लीजिएगा, मैगजीन में ये पूरी डिटेल में बताएंगे विद एग्जांपल्स कि भाई अल्टीमेटली इसका क्या इंपैक्ट आने वाला है। और जैसे हमने बताया फ्लायर्स के अंदर तो ब्रीफ आएगा कि भाई सेक्शन 3 वो आपके 3B के अंदर क्या चेंजेस आ गए। बिल्कुल 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 ठीक जी। अब हम बात कर ले सर 171 के बारे में जी। तो 171 क्या बात कर रहा है? 171 नंबर का सर्कुलर क्या है, होता क्या था कि जो फेक इनवॉइसिंग वाला काम है उसमें जब डिपार्टमेंट पकड़ लेता था तो किसी पर वो सेक्शन 74 की पेनल्टी लगा रहा है, किसी पर सेक्शन 122 की पेनल्टी लगा रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसा मत करो। इन्होंने एक सर्कुलर निकाला और इस सर्कुलर में क्या बोला कि भाई बात समझो, इस सर्कुलर में इन्होंने तीन सिचुएशन दी कि तीन सिचुएशन क्या दी कि मान लो सप्लायर ए है और वो माल सप्लाई करता है, फेक बिलिंग करता है किसे, बी को। अब जब सप्लायर ए ने फेक बिलिंग कर दी सप्लायर बी को, अब इन्होंने ये कहा कि भाई इस वाले केस में आप ये बताओ जिम्मेदार कौन है, ठीक है। सप्लायर ए ने क्या सप्लायर ए पे जिम्मेदार तो है, उसने फेक बिलिंग करी क्या, लेकिन उस पर सेक्शन 74 की कार्रवाई हो। भाई अगर हम सेक्शन 74 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि अगर आपने आईटीसी लिया गलती से, टैक्स पेड नहीं करा, ठीक है ना, या आपने रिफंड लिया, तो ये सिचुएशन को कवर करता है। सेक्शन 74 की अगर हम बात करें तो सप्लायर बी के ऊपर एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर इस चीज को समझो, तो यहाँ पर इन्होंने बोला सप्लायर ए के ऊपर, ठीक है ना, सेक्शन 74 अप्लाई नहीं होगा। बिल्कुल। तो आप सेक्शन 74 की रिकवरी सप्लायर ए से नहीं करेंगे, तो भाई सप्लायर ए तो फिर बाइज्जत भरी होगा। नहीं, बाइज्जत भरी नहीं होगा। इन्होंने क्या बोला, द रजिस्टर्ड पर्सन ए सेल हाउएवर बी लायबल फॉर पेनल एक्शन अंडर सेक्शन 122 में कि तुमने बिना सप्लाई के, ठीक है ना, अपना इनवॉइस जारी करा, इसके लिए हम पेनल्टी लगा देंगे 10,000 रुपए की या जितने के उसने इनवॉइस इशू करे होंगे, लेकिन उसके ऊपर सेक्शन 74 में एक्शन नहीं लिया जाएगा। इन्होंने इस चीज को यहां पर बोला है। तो यदि मैं इसको बात करूं तो ये तो उन्होंने डिपार्टमेंट को समझाने के लिए बोला है कि भैया समझ जाओ कि तुम 74 में मत वो क्या करते नोटिस भेज देना, आप 122 में भेज देना, अदरवाइज वो नोटिस आपका बिल्कुल विथड्रॉ हो जाएगा। बिल्कुल, इन्होंने बोला है कि जब सप्लायर ए ने कोई सप्लाई करी ही नहीं, ठीक है ना, कोई उसकी टैक्स लायबिलिटी बनती ही नहीं, तो हम सेक्शन 74 में उस पे चार्ज नहीं लगाएंगे। तो और यहाँ पर ना डिपार्टमेंट की एक चाल है, यहाँ पर डिपार्टमेंट की मैं आपको चाल समझाऊंगा कि जब आप ये पूरा सर्कुलर पढ़ लेंगे जी जी। अब आपको पता लगेगा कि डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, क्योंकि कई बार ना यहाँ पर सप्लायर जो रिसिपियंट है भी, जो रिसीवर है भी, वो हमेशा ये कहता है कि चलो मैं टैक्स पे तो कर दूंगा, लेकिन आप तो सप्लायर ए से भी कलेक्ट कर लोगे। हाँ। तो डिपार्टमेंट अब ये शो करना चाहता है कि तुमसे तो ले रहे हैं सेक्शन 74 में रिकवरी और तुमसे लेंगे, और जो सप्लायर है उससे ले रहे हैं सेक्शन 122 में रिकवरी, तो हम दोनों से रिकवरी करेंगे और इससे जो रिकवरी करेंगे वो तुम्हें नहीं देंगे। वो तुम्हें नहीं देंगे, आप मेरी बात को समझे। अगर दोनों पे सेक्शन 74 में रिकवरी कर लगा देते ये, तो फिर तो एक ही के ऊपर लगाओगे ना, एक सेक्शन के ऊपर। हाँ, तो गवर्नमेंट ने ये बहुत ही चालाकी से मूव करा है कि एक को तो बांध दो सेक्शन 74 से, एक को बांध दो सेक्शन 122 से। मेरे हिसाब से ये चीज करिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। अब इन्होंने एक दूसरी सिचुएशन दी, दूसरी सिचुएशन क्या दी कि भाई ए ने बिल दिए बी को जी, और बी ने दिए सी को, या बी ने जब वो सी को दिए, आप इस चीज को समझो, बी ने क्या कर लिया, आईटीसी क्लेम कर लिया। अब बी ने आईटीसी क्लेम करके अपनी टैक्स लायबिलिटी पे कर दी। जब उसने अपनी टैक्स लायबिलिटी पे कर दी, तो इन्होंने यहां पर क्या लिखा कि भाई बी ने तो ना तो परचेज करा कुछ, ना बी ने सेल करा कुछ, तो इसके ऊपर कौन सा एक्शन लगाया जाए, ठीक है ना। अब यहां पर समझना, ना परचेज करा ना सेल करा, लेकिन आईटीसी तो लिया ही है। तो इन्होंने क्या बोला, बी को पकड़ो सेक्शन 74 में, ठीक है, इसके ऊपर लगाओ कि बोकस आईटीसी तूने लिया, सेक्शन 74 की कार्रवाई करो,
और सेक्शन 50 का इंटरेस्ट लगाओ। अब आप कहोगे सर बिल भी तो इशू करे तो इस पे सेक्शन 122 भी लगना चाहिए। नहीं, गवर्नमेंट ने कहा कि यहां पर सेक्शन 75 में ये लिखा हुआ है, सेक्शन 75 सबसेक्शन 13 ये कहता है कि अगर एक बार आप पे 74 की कार्रवाई हो गई तो फिर आपके पास दूसरे इस एक्ट में किसी और सेक्शन में कार्रवाई नहीं होगी। तो इसलिए यहां पर बी के ऊपर एक ही सेक्शन लगेगा, सेक्शन 74 और प्लस में इंटरेस्ट। उसका अपराध क्या है? उसने बोकस बिलिंग से अपना आईटीसी लेके और अपनी आगे की टैक्स पेमेंट को यूज करा है। इसके ऊपर और कोई पेनल्टी इसमें नहीं है। ठीक है जी, अब हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं। अब तीसरा एग्जांपल क्या है कि भाई इसके अंदर अब सीबी इन्वॉल्व हो गया। अब जब सीबी इन्वॉल्व हो गया इसमें क्या हो रहा है कि इसने टैक्स की पेमेंट नहीं करी, इसने क्या करा, ए ने बी को बिल दिया, ठीक है, और बी ने बिल आगे पास ऑन कर दिया सी को। ठीक है, तो यहां पर गवर्नमेंट का क्या कहना है, मैं आपको केस भी पढ़ा देता हूं। ए रजिस्टर्ड पर्सन ए है जी इशू टैक्स इनवॉइस टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन बी विदाउट एनी सप्लाई और बी अवेल आईटीसी, ठीक है ना, एंड फर्दर पास द सेड आईटीसी टू सी। अब इस वाले केस में क्या होगा, इन्होंने बोला इन दिस केस द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड बाय बी इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस इशू विदाउट एक्चुअल रिसीव ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ हैज बीन यूटिलाइज्ड बाय बी, कि भाई बी ने यूज कर लिया ऑन द इनपुट टैक्स रेट बाय इशूइंग टैक्स इनवॉइस टू सी विदाउट एनी सप्लाई। अब इसका यहां पर ये कंक्लूजन क्या कहते हैं, इस कंक्लूजन को समझो, एज देयर वाज नो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय बी टू सी इन रेस्पेक्ट ऑफ सेक ट्रांजेक्शन नो टैक्स वाज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय बी, कि भाई जब सप्लाई नहीं करी तो बी से कुछ नहीं लेंगे। इट मीन्स अब जो आपको यहाँ पर अगर मैं जो समझ पा रहा हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, तो हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे पहले हो रहा था ए ने बी को की और बी ने सी को, बिल्कुल राइट। हाँ। तो पहले क्या कर रहे थे, वो ए से भी टैक्स मांग रहे थे, बिल्कुल इंटरेस्ट मांग रहे थे, पेनल्टी मांग रहे थे, जी जी, बी से भी टैक्स मांग रहे थे, इंटरेस्ट मांग रहे थे, पेनल्टी मांग रहे थे, बिल्कुल। सी के पास जाते हैं तो सी का तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे आईटीसी मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो ये इस केस में अगर हम देखें तो बी तो बाई जितबर ही हो गया। हाँ, क्योंकि बी को अब वो कहते हैं कि भाई ए ने बोगस किया था, बी ने ना तो इनपुट लिया है, यानी कि हाँ, उसको डिसअलाउ करूंगा, और इवन फिर उसकी इनवॉइस जो उसने की है वो भी मैं डिसअलाउ करूंगा, तो ना उसकी आउटपुट बनेगी ना उसकी इनपुट बनेगी। लेकिन यहाँ पर सेक्शन 122 के अंदर दोनों जगह इसके पे पेनल्टी लग जाएगी, एक तो आईटीसी लेने की और एक बोकस बिलिंग करने की। तो इस सेक्शन 122 में दो सेपरेट सेक्शन है। तो यहां पर इन्होंने बोला कि बी से रिकवरी करेंगे सेक्शन 122 में और सी से जो रिकवरी करेंगे वो करेंगे सेक्शन 74। तो यहां पर इन्होंने इस सर्कुलर में बता दिया कि हम तीन सेक्शनों को लगाएंगे, सेक्शन 74 को लगाएंगे, सेक्शन 122 को लगाएंगे, सेक्शन 122(1)(7) को लगाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि ये चेन चलती है जहां पे फेक इनवॉइस होती है ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, तो आप ये सिंपल ही समझ लीजिए कि जो ए से स्टार्ट हुआ है उस पे लगेगा सेक्शन 74 राइट। उसके अलावा जितने भी बीच के चैनल होंगे बी सी डी ई एफ जितने भी होंगे उन सब पे लगेगा सेक्शन 122 और जो सबसे लास्ट में आएगा जो एंड यूजर है उस पे भी सेक्शन 172 के अंदर पेनल्टी लगेगी। और जो रिवर्सल है रिवर्सल ए को करना होगा और लास्ट वाले को करना होगा बीच वाले को, एज सच कोई टैक्स कुल मिलाकर जिसने आईटीसी लिया उसे सेक्शन 74 से रिकवरी, जिसने फेक बिलिंग करी उसे सेक्शन 122 से, जिसने फेक आईटीसी लिया और आगे पास ऑन कर दिया उसे भी 122 से लगेगी। ठीक है, डबल डबल सेक्शन में पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन साथ में इन्होंने ये भी बोला है कि भाई ये जो हम पेनल्टी लगा रहे हैं लेकिन अगर 132 के प्रोविजन अट्रैक्ट हो गए या किसी व्यक्ति ने बेनिफिट रिटेन करा 122(1)(a) में तो उसके ऊपर भी पेनल्टी लगेगी। तो यहां पर इन्होंने इस चीज को क्लैरिफाई करने की कोशिश करी है। तो आप अपना केस टू केस बेसिस समझ सकते हैं कि भाई क्या क्या चीजें इसमें हुई। इसमें आपको डिटेल में नहीं समझना है क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है और फेक बिलिंग बहुत बड़ा एक इश्यू बनता जा रहा है। जी जी। तो आप इसमें कपिल जी की भी सलाह ले सकते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनके जो मेंबरशिप प्लान है वो भी आप ले सकते हैं। अब बाकी मैगजीन्स में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। जी जी जी। चलिए बहुत अच्छा, अब हम आते हैं अगले सर्कुलर के ऊपर, वो है सर्कुलर 172। वो कुछ ब्लॉक क्रेडिट्स और आप कह रहे हैं कुछ मिसलेनियस थे, तो इसके बारे में ब्रीफ में आप थोड़ा सा बताएं। देखिए इसमें एक चीज को समझिए, इसमें ना चार पॉइंट है वैसे तो, लेकिन मैं इसमें ना दो पॉइंट्स यहाँ पर कवर करूंगा और दो पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो पहली चीज तो क्या है, इन्होंने बोला इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 17(5) की इंटरप्रिटेशन को ना कुछ लोग गलत इंटरप्रेट कर रहे थे। वहां पर कुछ लिखा हुआ है कि भाई ये वाली एक्सप्लेनेशन है, ये क्लोज है, किसके लिए अप्लाई होगी, तो इन्होंने उसके लिए इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, तो आप वो रीड कर सकते हैं, उसमें ज्यादा दिमाग की बात नहीं। लेकिन जो इसका फोर्थ नंबर का पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है,
भैया होता क्या था कि हमारे क्रेडिट लेजर में ना पैसे पड़े हुए, क्रेडिट लेजर में हमारे 10 लाख रुपए पड़े हुए। अब ये जो 10 लाख रुपए मेरे क्रेडिट लेजर में पड़े हुए हैं, तो कई बार मेरी जो लायबिलिटी होती है मैं क्रेडिट लेजर से ही पे करता हूँ, लेकिन कई बार लायबिलिटी मेरी कुछ इस तरह की होती है कि डिपार्टमेंट मुझे नोटिस करता है कि भाई मैंने तुम्हें नोटिस करा, अब ये मेरी लायबिलिटी पे करो। अब जब मैं उस लायबिलिटी को पे करने जाता हूँ तो डिपार्टमेंट कहता है क्रेडिट लेजर से नहीं पे कराऊंगा, कैश में पे करो, कैश में पे करो। मैं कहता हूँ ऐसा क्यों? वो कहता है सेक्शन 41 पढ़ लो जाकर, जो सेक्शन 41 था ओल्ड, 41-2। मैं कहता हूँ ये तो चेंज हो गया। वो कह रहा अभी तो चेंज ही नहीं हुआ ना। तो अब इन्होंने सर्कुलर में क्लैरिफाई कर दिया। क्या कहते हैं ये सर्कुलर में? ये कहते हैं, मैं क्रक्स बता रहा हूँ पूरा, अकॉर्डिंगली इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट पेमेंट टुवार्ड्स आउटपुट टैक्स वेदर सेल्फ असेस इन द रिटर्न और पेबल एज ए कंसिक्वेंसिस ऑफ एनी प्रोसीडिंग इंस्टीटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ कैन बी मेड बाई यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। तो इन्होंने यहाँ पर सर्कुलर में ये बात लिख कर दे दी कि भाई जो आपको जो टैक्स पे करना है, ठीक है ना, आप क्रेडिट लेजर यूज करके भी कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि पहली चीज, अगर आपकी वो टैक्स की लायबिलिटी है, एज यूजुअल आप अपने आईटीसी से आगे एडजस्ट कर ही सकते हो, बिल्कुल। लेकिन सपोज किसी कारण से आपके ऊपर कोई एडिशनल लायबिलिटी बनती है, लायबिलिटी की बात हो रही है, पेनल्टी की बात नहीं हो रही, इस बात को ध्यान रखिएगा। जी आप सोचो जो इंटरेस्ट और पेनल्टी है वो भी आप आईटीसी से रजिस्टर, वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो सिर्फ कैश में होगा। लेकिन सपोज कई बार आता है कि सर्च आ जाती है किसी के पास में, वो कहते हैं कि जी आपको एडिशनल डिमांड देनी है, तो नॉर्मली इसमें कह भी देते थे डिपार्टमेंट वाले कि भैया कैश में डिपॉजिट करो, जबकि आईटीसी मेरे पास काफी सारा रखा हुआ है, तो अब हम कह देंगे भैया मैं कैश नहीं करूंगा, मेरे पास जो आईटीसी लेजर पड़ा हुआ है मैं अपना आईटीसी से करूंगा, बाकी मैं आपके डीआरसी से मैं फाइल कर दूंगा। तो ये आई थिंक वेलकम है, स्टेप है। लेकिन इसमें मैं एक चीज, मेरा अपना एक कंफ्यूजन ये है कि इन्होंने सर्कुलर दिया, जैसे आपने सेक्शन की बात की, 41-2 की बात की, ये चेंज हो गया है, ठीक है, क्या जो चेंज हुआ है उसके अंदर भी बात पहले भी क्लियर थी? नहीं, अब की बात तो सेक्शन 41-2 को हटाई दिया ना, नया सेक्शन लिया है, लेकिन पुराने सेक्शन पे डिपार्टमेंट में इशू था, इन्होंने बोला कि चलो सर्कुलर है टाइमिंग के लिए, आप ये कर दो, लो चेंज हो जाएगा तो हम बता देंगे। और बाकी अभी हमारा ना इनकम टैक्स के ऊपर सेशन है 16 जुलाई को, अगर किसी ने अभी तक वो ज्वाइन नहीं करा वो ज्वाइन कर ले। और ये सर्कुलर आपको कैसे मिलेंगे? आप हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हैं, वो आपको दे देंगे, नहीं तो आप सीबीआईसी की साइट से डाउनलोड कर ले। और हमारी मैगजीन की सैंपल कॉपी चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर ले। आपको फ्लायर बनवाने उसकी सर्विस लेनी है इस नंबर पर व्हाट्सअप कर ले, आपको मिल जाएगा। सर कुछ फ्री भी दे दिया करो, तो इस बार ना हम फ्री भी दे रहे हैं, इस सैटरडे कर क्या रहे हैं, एक ना भैया आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स होता है जिसमें कि आप अपनी सासों को अच्छे से कैसे ले, ठीक है, वो वाली सास नहीं, बीबी की माँ वो वाली ना, पति की माँ वो नहीं, अपनी सासें जो होती है ना उन सास, हाँ ब्रीथ। तो अगर आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप फ्री में करा सकते हैं, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होगा। और तो ये वाले जी, यानी पहले आप ये कहते हो कि जी सर्कुलर्स दे करके उनकी सांसें पहले चढ़ा दूंगा मैं, उसके बाद में प्राणायाम करा करके उनको सांसों में रिलैक्स भी कराऊंगा ताकि आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये भी बड़ा बढ़िया है कि आप ये भी आप दे रहे हैं। और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, सर्कुलर्स को भी रेगुलर पढ़िए, मैगजीन को सब्सक्राइब कीजिए, और अपडेट्स के लिए आप ड्यू डेट्स अपडेट और जो आपके टैक्स अपडेट्स हैं उनको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अपनी प्रोफेशनल ब्रांड। और इस महीने ना, इस महीने आपको पढ़ना है, क्योंकि काम तो करना ही है, 31 जुलाई है, बिल्कुल, लास्ट डेट है, करना ही है। लेकिन पढ़ना भी क्यों है? क्योंकि अभी नोटिफिकेशंस और आनी है, सर्कुलर्स और आने हैं, तो मैगजीन अगर नहीं लिया तो इस बार तो जरूर ले ले। अगले 2 महीने की मैगजीन बढ़िया होने वाली है, अगले 2 महीने के फ्लायर्स की सर्विस बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि अब हम भी कोशिश करेंगे कि यूट्यूब पर ना हम डिफरेंट डिफरेंट लोगों को अपने चैनल्स पर लाए और उनके व्यू भी जाने, जैसे आपने मेरा व्यू जाना है, हम सर्कुलर्स पे उनके व्यू भी, बिल्कुल, ताकि आपको भी पता चले कि भाई अल्टीमेटली हर एक का अपना क्या व्यू हो सकता है कि किसी दूसरे का कोई दूसरा अपना व्यू निकले। लेकिन खैर, कपिल जी का आपको व्यू कैसा लगा जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।